A man of mass 70 kilograms stands on a weighing machine. एक weighing machine पे बैठता है ये आदमी, stand करता है, ठीक है, which is moving in a lift. ठीक है, एक particular lift है, एक elevator है. ये मेरे पास एक particular elevator है. इस elevator के अंदर ये रहा आदमी और ये आदमी एक weighing machine के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है. चलिए, फर्स्ट पार्ट में अपन को बोल रहा है कि अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अगर ये एलिवेटर ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक्सेलरेटेड बॉडीज के अंदर स्यूडो फोर्स लगता है. ठीक है, ये देखा था हमने, एक्सेलरेटेड बॉडी अगर होती, ठीक है, अगर ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होता या किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता, तो अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता. ठीक है, ये अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था. और ये स्यूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट टू मोशन होती थी. तो डायरेक्शन की बात अगर की जाए तो डायरेक्शन होती थी ऑपोजिट टू मोशन. सिंपल सी बात, सही है. ये तो अपन ने बात की थी तब जब एक्सेलरेटिंग बॉडी थी, लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो अपन को यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रखा है. बोल रहा है पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड से नो स्यूडो फोर्स विल एक्ट. सो यहां पर अपन लिख सकते हैं नो स्यूडो फोर्स विल एक्ट. अगर कोई भी स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जो एक्चुअल मास है ऑब्जेक्ट का वही मेजर हो जाएगा. ठीक है, और यहां पर नो चेंज इन वेट मैं लिख सकता हूं. नो चेंज इन वेट. आज क्लास के अंदर दो चीजें आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि मास और वेट में क्या फर्क होता है. ठीक है, मास और वेट में क्या फर्क होता है? मास होता है एक्चुअल मटेरियल जिससे कि एक बॉडी बनी हुई है. एक्चुअल मटेरियल विद विच, एक्चुअल मटेरियल विद विच ए बॉडी इज मेड ऑफ, ए बॉडी इज मेड अप ऑफ, उसका अगर मैं मेजरमेंट कर लूं तो दैट इज मास. मास क्या है? एक्चुअल मटेरियल, जितने मटेरियल से एक बॉडी मिलके बनी है. लेकिन अगर वेट की बात की जाए तो वेट क्या होता है? वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बोले तो फोर्स विद विच, फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स us downwards, pulls us vertically downwards. So अपने को याद रखना है मास और वेट में क्या फर्क है. मास एक्चुअली में पूरा मटीरियल है, जिस मटीरियल से मेरी बॉडी बन के बनी हुई है उसको मेजर कर लेते हैं तो अपन को मास कैलकुलेट होता है. लेकिन वेट क्या है? वेट एक तरीके से फोर्स है. वेट इज वॉट? वेट इज फोर्स. तो आज से अपन किसी से भी पूछें कि आपका वेट कितना है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट मान लेते हैं अपन, मेरा मास मानते हैं 50 केजी. तो ये जो केजी के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज मास. कोई अपन से पूछे कि वेट क्या होता है तो अपने आंसर क्या होगा? भाई जो ग्रेविटी के द्वारा अपने पर फोर्स लगाया जा रहा है या जो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड हम पे लग रहा है ड्यू टू द अर्थ, उसी को अपन वेट बोलेंगे. तो वेट क्या ऐसे निकलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू जी. मास कितना है? 50, और जी कितना है? 10. सो आंसर इज 50 500 न्यूटन. सो कोई अपन से पूछा आपका वेट कितना तो अपन बोलेंगे 500 न्यूटन, मास कितना तो 50 केजी. ठीक है, तो वेट अपन यूजुअली नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं? नॉर्मल लाइफ में कोई भी अपन से वेट पूछता है तो अपन डायरेक्टली बोल देते हैं अरे वेट कितना है हमारा? 50 केजी है. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वेट होता क्या है? वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ इज पुलिंग अस डाउनवर्ड्स. ठीक है, वेट क्या है? द फोर्स विद विच द अर्थ इज पुलिंग अस डाउनवर्ड्स. चलिए, तो ये वेट और मास का कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ गया. फर्स्ट पार्ट इसका अपन सॉल्व कर चुके हैं, इसके सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं. सेकंड पार्ट बोल रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करने लगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो अगर मैं इस लिफ्ट को डाउनवर्ड मूव करवा दूं तो ये रही लिफ्ट, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करने लगे तो अंदर बैठे हुए आदमी पे ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा ma, नीचे की तरफ इस पर mg तो लगता ही था. तो जो नेट फोर्स है इसका वो चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? mg माइनस ma, और वी कैन से दैट mg माइनस a. सो ये मेरे पास नेट फोर्स सेकंड वाले पार्ट में निकलने लगेगा, जिसके अंदर अपन ने ये निकाला कि जब लिफ्ट हमारी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, सो मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो नेट फोर्स निकल के आएगा मास कितना है?
फॉर एग्जाम्पल कितना भी हो सकता है, जी की वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में 5 दे रखा है। सो द नेट निकलेगा मेरे पास 5 into m और m की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकल आएगा नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दी पर्सन। दिस इज दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी पर्सन। चलिए इसी तरीके से अगर यही एक्सेलरेशन अपवर्ड लगता तो, मतलब अगर बॉडी ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर लिफ्ट है ये अपवर्ड मूव करती अगर एक्सेलरेशन से, तो अगर ये पर्टिकुलर अपवर्ड मूव करती तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, दैट मींस नीचे की तरफ एक एमजी फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ स्यूडो फोर्स जो है इस बार मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे लगता, ठीक है। और नेट फोर्स कितना निकल के आता, एमजी प्लस एमए निकल के आता, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाता, एड हो जाता, जी प्लस ए हो जाता, और अपन फिर कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखो ये भी पार्ट होगा, देखो सी पार्ट को अगर देखा जाए तो अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 meter per second square, इसका मतलब अगर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले लिफ्ट का तब स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा, और अपन ने फाइनल आंसर निकाल लिया। थर्ड नेक्स्ट पार्ट में अपन से बोल रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब लास्ट पार्ट में अपन से पूछा जा रहा है कि अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड आने लगे जी एक्सेलरेशन से, अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड आने लगे जी एक्सेलरेशन से, तो जो अंदर बैठा हुआ आदमी है उस पर पहली बात तो ग्रेविटी की वजह से एमजी डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा, और जो स्यूडो फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा, एमजी माइनस एमजी, और द आंसर बिकम्स जीरो। सो नेट फोर्स इन द केस जब फ्री फॉल हो रहा हो कितना निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। ये पर्टिकुलर हमारे पास सॉल्यूशन निकला इस पूरे क्वेश्चन का, फटाफट बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन के अंदर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, एक ग्राफ गिवन है, और ग्राफ किस किस के बीच में, पोजिशन टाइम के बीच में, पोजिशन टाइम ग्राफ मेरे को गिवन है। चलिए इसमें बोला जा रहा है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर गिवन क्वांटिटी जो है, गिवन क्वांटिटी है मास इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0, ठीक है, टी ग्रेटर देन 4 seconds, टी 0 to 4 seconds के बीच में। पहले तो अपन 0 seconds से पहले की बात करते हैं, क्या इससे पहले कोई भी ग्राफ दिख रहा है क्या अपन को, इससे पहले अपन को कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा, हमें इससे पहले टी इक्वल टू 0 से पहले कोई भी ग्राफ नहीं दिखता, दैट मीन्स टी इक्वल टू 0 से पहले कोई मोशन नहीं है पार्टिकल का, ठीक है। अब अगर मैं 0 to 4 seconds की बात करूं, 0 to 4 seconds तक की बात करूं, तो ग्राफ मुझे दिखता है लीनियर, लीनियर ग्राफ दिखता है। तो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी जब मैंने यहां पर लिखा, वी नो दैट दिस इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, याद करो काइनेमेटिक्स ये चीज पढ़ चुके हैं अपन, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ यहाँ पर मेरे को मेंशन है। अब स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ देता क्या है मुझे, वेलोसिटी, दैट मींस फ्रॉम 0 to t = 4 seconds, तो फ्रॉम 0 to t = 4 seconds, ठीक है, 0 to t = 4 seconds के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है, दैट मींस जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, बिकॉज द स्लोप इज कांस्टेंट, बिकॉज द स्लोप इज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड फोर्स फ्रॉम 0 to 4 seconds विल बी इक्वल टू 0, तो फोर्स भी कितना निकल के आया 0 to 4 seconds के बीच में, 0 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट बनता है अपना पर्टिकुलर 4 seconds से ज्यादा का टाइम, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन की अगर बात की जाए, सो इस पर्टिकुलर पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं दिखता, ठीक है, टाइम 4 seconds है, हो सकता है टाइम आगे 5 हो जाए, हो सकता है टाइम आगे 6 seconds हो जाए, हो सकता है टाइम आगे 7 seconds हो जाए, हर 4 seconds के बाद टाइम कुछ भी हो जाए डिस्टेंस चेंज नहीं होता, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। तो t = t > 4 seconds की अगर बात की जाए तो पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो
फोर्स भी जीरो। फटाफट बताइए जी, सबको क्लियर है कि नहीं कि कैसे अपन ने इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर फोर्स को जीरो बोल दिया, बताइए बेटा, रेज योर हैंड्स फास्ट। देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली कैप्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड्स ऑफ ए टाइट स्ट्रिंग। ठीक है, एक टाइट स्ट्रिंग के से अपन ने इन दोनों को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बांध के रखा हुआ लाइक दिस। सो एक मैं यहां पर बनाता हूँ सर ब्लॉक, एक ब्लॉक मैंने यहां बनाया और ऐसा ही एक ब्लॉक मैं यहां बना देता हूँ, तो ये लो दूसरा ब्लॉक बना दिया। इन दोनों को मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से टाई कर दिया, चलिए टाई कर दिया। अब इस पे क्या करते हैं, हम एक्सटर्नली 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। आइए इन दोनों पे एक्सटर्नली 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब पहला केस अपन को बोल रहा है कि 600 न्यूटन का फोर्स जो है हमने ए पे लगाया है, चलिए तो ए ब्लॉक यहाँ मान लो, बी ब्लॉक यहाँ मान लो। ठीक है, अब ए ब्लॉक ऑब्वियसली कौन सा होगा, जो पहला वाला है, तो 10 केजी वाले को इसे मान लेते हैं, ये 20 केजी वाला हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, अपन से पूछा जा रहा है कि अप्लाई टू ए, फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बी पे भी लगाया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर टेंशन क्या डेवलप होती है ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए तो सिंपल सी बात है, अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें एक चीज पता है कि जो टेंशन यहाँ पर डेवलप होगी, जो भी टेंशन यहाँ पर डेवलप होगी, टेंशन दोनों ही ब्लॉक्स पे पुल नेचर अप्लाई करेगी। तो टेंशन दोनों ही ब्लॉक्स पे क्या कर रही है, पुल नेचर अप्लाई कर रही है। हमें हम जानते हैं क्वेश्चन के अंदर कोई भी फ्रिक्शन की बात दे ही नहीं रखी है, तो ये पर सरफेस जो है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये भी अपन को क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, अपन को यहाँ पर मेंशन कर देना है दिस इज 600 न्यूटन। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा कनेक्टेड मोशन है, ऑब्वियसली एक साथ ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा। सो वी कैन से कि भाई दोनों के ऊपर ही, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ, तो इस पूरे का एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जो नेट फोर्स होता है, दैट नेट फोर्स एक्सटर्नल कितना है 600 न्यूटन, ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन के होना चाहिए, और मास को मैं कंबाइंड मास ऑफ ए एंड कंबाइंड मास ऑफ बी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे एक्सेलरेशन। सो मेरे पास नेट फोर्स है 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय, मैंने इसको 30 से कर दिया, ये एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा कितना मेरे पास 2 या फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। अब अपन से पूछा जा रहा है कि टेंशन जो डेवलप हो रही है, वो टेंशन आप निकाल के बताइए इस केस में कितनी टेंशन डेवलप हो रही है। तो किसी भी एक ब्लॉक को उठा लो, ये मैंने 10 केजी वाला ब्लॉक उठा लिया, तो मैं फर्स्ट 10 केजी वाले ब्लॉक पे जब एनालिसिस करूंगा, तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, मैं इस पे लगा रहा हूँ आगे 600 न्यूटन का फोर्स, चलिए ठीक है, पीछे लग रहा है टेंशन, ये FBD बना रहे हैं अपन। चलिए और कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे, नीचे की तरफ 10 जी एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा, इस तरफ एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये सारे फोर्सेस को मैंने FBD से रिप्रेजेंट कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम से। अब अपन क्या निकालना चाहते हैं, टेंशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो के बराबर तो है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा, तो 600 माइनस पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बराबर एक्सेलरेशन कितना है 100 इनटू 10 इनटू 20। So the answer becomes 600 minus 200 is equal to T. T की वैल्यू यहाँ से आ गई 400 न्यूटन। So 400 न्यूटन यहाँ से मेरे पास टेंशन निकल के आता है। कैसे निकाला, हमने सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाला पूरे कंबाइंड सिस्टम का, और फिर अपन ने ए पे एनालिसिस को कर दिया, क्योंकि ए पे हमें एक्सटर्नल फोर्स भी पता है, ए का एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, टेंशन निकालनी थी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इक्वेशन बनाते आंसर निकल आया। चलिए इसका बी पार्ट कैसे करेंगे, तो बी पार्ट में क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। बी पार्ट के अंदर इसने बोला कि अब फोर्स हमने ए पे ना लगा करके फोर्स हमने बी पे लगाया है, तो फोर्स हमने इस बार ए पे ना लगा करके फोर्स बी पे लगाया है जिसका 20 केजी मास था। चलिए तो 600 न्यूटन यहाँ पर लगेगा, इस पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो इस तरफ 600 न्यूटन, पीछे की तरफ रहेगी टेंशन, नीचे की तरफ रहेगा 20 जी, ऊपर रहेगा नॉर्मल,
और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इतनी इस तरफ रहेगा जिसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं विच इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ए इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 600 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए. सो यहाँ से टेंशन जब कैलकुलेट की जाएगी तो ये बनेगा 600 माइनस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 200 न्यूटन आ जाएगी. सो दोनों ही केसेस में जब अपन एक बार ए पे 600 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और एक बार बी पे 600 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो दोनों ही केसेस में अपनी टेंशन कितनी डेवलप होगी वो अपन ने कैलकुलेट कर ली है. फटाफट बताइए किसी को इस भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है कि नहीं, अगर डाउट है तो आप हैंड रेज करिए, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं. आगे चलते हैं अपन आगे. अगला क्वेश्चन तो ऐसा क्लास में फिर से अपन ने क्लास के अंदर कर रखा है. देखिए, टू मासेस ऑफ 8 केजी एंड 12 केजी आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड. देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम बनेगा इस तरीके से. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम विल बी लाइक दिस. ये बन गया डायग्राम. अब इस डायग्राम में अपन मेंशन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से. ये दिस इज 8 किलोग्राम, दिस इज 12 किलोग्राम. चलिए, अब अगर 12 किलोग्राम वाला एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ऑब्वियसली 8 किलोग्राम एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अपन ने ये मान लिया. ठीक है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 केजी बनेगा डाउनवर्ड 8g इज इक्वल टू, ऊपर लगेगा टेंशन, क्योंकि टेंशन तो ऑब्वियसली ऊपर लग रहा होगा इस तरीके से. ठीक है, इधर भी टेंशन क्या लग रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर लग रहा होगा इस तरीके से. तो दोनों जगह अपन ने टेंशन को दिखा दिया. चलिए, एक्सेलरेशन इसका कहाँ है, तो अपवर्ड है एक्सेलरेशन, अपवर्ड है. ऐसे ही अगर दूसरी तरफ बनाऊं तो दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा डाउनवर्ड 12g, ऊपर कितना टेंशन t, एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे a. सो दोनों की इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा t माइनस 8g इज इक्वल टू 8 टाइम्स a. ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई. और सेकेंड तरफ अगर इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा 12g माइनस t इज इक्वल टू 20 टाइम्स a. ये सेकेंड इक्वेशन में भी. अब अपन ने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसके अंदर इक्वेशंस को अपन ने ड्रॉ किया था, इक्वेशंस को बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो किसी को भी ये इक्वेशंस के अंदर किसी को भी दिक्कत है कि सर ये इक्वेशन कैसे बना रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको इक्वेशन बनाने में दिक्कत है तो आप एक बार हैंड रेज मुझे करके बता दो. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दीज इक्वेशंस, क्यों हम यहाँ पर टी को पहले लिखा फर्स्ट इक्वेशन में, क्यों हमने दूसरी इक्वेशन में 12g को पहले लिखा है, कौन बता सकता है मुझे, आप रही जान करके बताइए फटाफट. चलिए, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस तरीके से अपन ने इक्वेशंस को डिराइव किया. इक्वेशन डायरेक्ट कर लिया, अब इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1+2 जैसे ही मैं करता हूं तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 12g माइनस 8g इज इक्वल टू 20a. सही है, इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 4g बाय 20 इज इक्वल टू a. जी की वैल्यू होती है 10, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू. अब अगर एक्सेलरेशन निकल के आ गया तो अपन किसी के भी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे और टेंशन भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो टेंशन भी कैलकुलेट हो गया यहाँ से, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो गया. मैं नहीं मानता इसके अंदर कोई भी चीज मुश्किल है. अगर यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे चलो. स्टोन ऑफ मास 0.25 kg, तो मास कितना दे रखा है, 0.25 किलोग्राम दे रखा है मेरे को स्टोन का मास. चलिए, इसके बाद अपन को क्या बोल रहे हैं, इज टाइड टू एन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड इज वर्ल्ड इन राउंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर. तो रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 1.5 मीटर. सिंपल सी बात, क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. अभी तक तो अपन वही सब क्वांटिटीज लिख रहे हैं जो अपन को गिवन है इस क्वेश्चन के.
और स्पीड कितनी है उसकी, तो एंगुलर स्पीड अपन को प्रोवाइडेड है रेवोल्यूशंस पर मिनट में, देखो आरपीएम प्रोवाइडेड है। सो अपन यहां लिख सकते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड इन 40 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट को हमेशा और हमेशा अपन पहले कन्वर्ट कर लेते हैं पर सेकेंड में। सो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, ये बना 2/3 आरपीएस या रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब हमारे पास ये तो निकल आया फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहली बात तो बताओ टेंशन कितना रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है बता देंगे। फिर दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड। इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, तो पूछा जा रहा है कि पहले तो आप ये बताओ कि टेंशन कितनी डेवलप हुई स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप इसको वर्ल्ड कर सकते हो अगर टेंशन 200 न्यूटन ही झेल सकती है हमारी स्ट्रिंग। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले सर्कुलर मोशन को विजुअलाइज करते हैं। अगर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में है तो पहली बात सेंटर के टूवर्ड लगेगा टेंशन और सेंटर से अवे लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और अब इन दोनों को ओपन कर देंगे बराबर, क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, तो वी कैन से that mv square by r is equal to tension. So tension निकालने को बोल रहा है तो m की वैल्यू हमें पता है 0.25, ठीक है। velocity नहीं पता हमें, तो velocity हम जानते हैं v is equal to omega r होता है, ठीक है। जैसे ही v is equal to omega r इस equation में put करूंगा तो ये बनेगा m omega square r, और m की वैल्यू अपन put कर चुके हैं, omega अपन कैसे निकालेंगे। So omega निकलता था 2 pi into frequency, और फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं 2/3, सो ये बना 2 into pi into 2/3, आंसर इज 4/3 pi, ठीक है 4/3 pi। क्लियर सी बात हो गई, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, कैसे किया अपन ने सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब अपन इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर r, m क्या है 0.25, r अपन को दे रखा है 1.5, ओमेगा स्क्वायर करने के लिए तो 4/3 पाई का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और यहां से मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना टेंशन डेवलप हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ये तो बात हो गई टेंशन फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच वी कैन वर्ल्ड दिस स्टोन, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है जिससे मैं इस स्टोन को घुमा सकूं। तो उसके लिए अपन टेंशन को पहले से कितना मान लेंगे, क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है 200 न्यूटन। So, पहले से ही अपन टेंशन को 200 न्यूटन मान लो और इसको बराबर कर दो mv स्क्वायर बाय r के, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 200 इनटू r बाय m, और v की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। r अपन को पता है 1.5 है और m अपन को पता है 0.25, जैसे पुट करेंगे तो मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी, v मैक्स मेरे को निकल के या फाइंड आउट होके आ जाएगा। फटाउट बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पिछला क्वेश्चन जो 21 था, ठीक है इसी क्वेश्चन को कंसिडर कर लो, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू एंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, Which of the following correctly describes the trajectory after the string breaks? मतलब ये सर्कुलर मोशन था, ठीक है ये मेरे पास सर्कुलर मोशन था, इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट करता था और इसकी स्ट्रिंग जो थी ये रही इसकी स्ट्रिंग। अब एकदम से होता क्या है, कुछ देर बाद ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी ये एकदम से ब्रेक कर जाती है क्योंकि मैंने इसको बहुत तेज घुमा दिया, घुमा दिया तो जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगी वहां से पार्टिकल कैसे जाएगा। इमेजिन करके देखो, अगर आपने एक पत्थर घुमा रहे हो, पत्थर घुमाते घुमाते वहीं से अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो पत्थर इसी डायरेक्शन में, जहां पर भी स्ट्रिंग टूटती है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली निकल जाता है, ठीक है। तो टेंजेंशियली निकल जाता है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलेगा। अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, मतलब क्या ऐसे मूव करेगा क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलते हैं द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, ऑब्वियसली अभी अपन ने देखा कॉमन सेंस भी अपन जानते हैं, बचपन में अपन ने खेला भी है इस तरीके से कि जब स्ट्रिंग टूटेगी तो ऑब्वियसली ये टेंजेंशियल निकल के चला जाएगा।
तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है. थर्ड ऑप्शन को देखें तो द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड. बिल्कुल ही गलत ऑप्शन. कोई एंगल वेंगल थोड़ी ना बात होती है, हमेशा टेंजेंशियल बात होती है. क्योंकि किसी भी पॉइंट पे देखो सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या रहती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है ना सर्कुलर मोशन की. और कौन सी डायरेक्शन रहती है सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन रहती है. कौन सी डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन. और ये पहले अपन देख चुके हैं जब अपन सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे. फटाफट बताइए ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ कि नहीं. चलिए अगले कुछ क्वेश्चन है मेरे पास. अगले कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं. दीज आर थियोरेटिकल क्वेश्चन. नाउ एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस. मतलब बोल रहा है कि एक घोड़ा है और वो जो बग्गी को खींच नहीं पाता है एम्प्टी स्पेस के अंदर, खाली स्पेस के अंदर. ठीक है, स्पेस के अंदर क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि अगर मैं हॉर्स को के मूवमेंट को ध्यान से देखूं, यहाँ पर मैं एक हॉर्स बनाता हूँ, ये रहा मेरे पास हॉर्स. ठीक है, इसके पीछे मैंने क्या किया, एक इसकी कार्ट बना दी. अब हॉर्स आगे मूवमेंट कब करेगा, जब ये अपने पैरों से पीछे पुश करेगा ग्राउंड को, तो इसको मोशन मिलेगा आगे. सही है, लेकिन अगर इसको मैं स्पेस में पहुंचा दूं, तो स्पेस में ना मेरे पास फ्रिक्शन है ना मेरे पास एटमोस्फेयर है. ये कितना भी हाथ पैर चलाता रहेगा ये मोशन में क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बॉडी किस में है, बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी रहना भी किस पे चाहेगी, रेस्ट पे. जब तक उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगा दे, एक्सटर्नली स्पेस में फोर्स लगाने को तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली ये किस पे बैठा रहेगा, ये रेस्ट पे ही बैठा रहेगा. बताइए क्या ये चीज क्लियर है. सेकंड पार्ट, बी पार्ट जो बता सकता है, पैसेंजर्स वाला पार्ट. पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स When a speeding bus suddenly stops. बेटा ये पार्ट भी अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. क्या रीजन रहेगा बी सी और डी के पीछे, जो भी मुझे बता सकता है हैंड रेस करके बताइए फटाफट. बहुत ही सिंपल है. यस शोएब, वेरी गुड. एनी अदर, एनी अदर. मुझे पता है शोएब को आता है, वेरी गुड. यहाँ पर इनिशियली मोशन में होंगे पैसेंजर्स जो हैं. अब अगर मोशन में है तो सडनली रुकोगे तो रहना किस में चाहते हैं, मोशन में. आगे की तरफ जर्क लगेगा उनपे. लॉन मोर को पुश करना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि जब मैं लॉन मोर को पुश करता हूँ और लॉन मोर को एक बार पुल करूंगा, तो जब लॉन मोर को पुश किया तो नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो नॉर्मल की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर मैं पुल करता हूँ तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा. अब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है तो मेरे लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट. ठीक है, और अगर मैंने पुल किया तो पुल के केस में फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस मेरे लिए क्या हो गया, इजी. ये क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं. डी पार्ट भी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि क्रिकेटर अपने हैंड को बॉल के साथ साथ मूव क्यों कराता है, क्योंकि जब वो मूव कराता है तो ही इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द टाइम. फोर्स होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. अगर वो टाइम को इंक्रीज कर देगा तो उसके हाथ पे लगने वाला जो इम्पैक्ट है, जो फोर्स है, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, और ये अगर डिक्रीज कर गया तो उसके हाथ पे चोट लगने के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे और वो सेफली कैच कर लेगा बॉल को. तो ये उसका रीजन रहता है बॉल को धीरे धीरे या फिर कैच करते समय हाथ को अपने बॉल के डायरेक्शन में मूव करवाने का. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व कर चुके हैं अपन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है अगला भी. देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है अपन को. फिगर शोज, शोज लिखा है यहाँ पर, अपन इसको शोज कर लेंगे. शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.04 kg. 0.04 kg का एक मास है मेरे पास. इधर तो दिखाई नहीं रखा है, चलिए इसका फिगर तो है ही नहीं. इस क्वेश्चन को लीव करो, एक बार कल करेंगे इसको. इसके अंदर फिगर नहीं दिखा रखा है. चलिए फिगर भी होना चाहिए. चलिए, तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इसके बाद के बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो हैं, इसके बाद के बचे हुए जो 10 क्वेश्चंस होंगे, वी विल डू दोस 10 क्वेश्चंस टुमारो.